तो मैं विवेकानंद आनंद हार्डवेयर में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने में, अगर आपने हार्डवेयर का दुकान खोले हुए हैं या हार्डवेयर का दुकान खोलना चाहते हैं उसके लिए वीडियो है कि आप अगर आप हार्डवेयर का दुकान खोलना चाहते हैं तो क्या क्या आइटम रखें। जब फर्स्ट टाइम हो क्या क्या आइटम मंगवाया जाए कि जो डेली सेल हो, और जो डेली सेल आइटम हो जिसमें मुनाफा हो, हाँ वही आइटम के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, बहुत से व्यक्ति हैं जो हार्डवेयर का दुकान खोलते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि जो डेली सेल आइटम क्या है, और वो लाना भूल जाते हैं। जैसे कि चापाकल का जो भी आइटम्स है वो डेली सेल का आइटम है। हाँ, वो आपको अगर हार्डवेयर का दुकान खोल रहे हैं तो आपको रखना ही रखना है चापाकल का आइटम। कल के आइटम के बाद आप अपने दुकान में राजमिस्त्री का आइटम रख सकते हैं, जैसे कि घर बनाने में क्या क्या कौन कौन सा किस किस चीज़ आइटम का जरूरत पड़ता है वो आप रख सकते हैं। हाँ, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि चापाकल के आइटम में जो सेलिंग आइटम है वो क्या है, और सबसे ज़्यादा सेलिंग किस चीज़ का होता है, और मुनाफा भी किस चीज़ का होता है, और उसी के बारे में बताएंगे। तो हम चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, चापाकल में सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम होता है पाइप, होता है 1.5 इंच का पाइप लगता है और एक फिल्टर होता है। जैसे कि देख रहे हैं मेरे पास प्रिंस का पाइप है, शिवा का पाइप है, हाँ, और शिवा का फिल्टर ही है। मेरे यहाँ पे आसपास में यहाँ पर शिवा का फिल्टर ही ज़्यादा बिकता है, तो हम शिवा का फिल्टर ही रखे हुए हैं। और पाइप प्रिंस का हो गया तो वही प्रिंस का ही बिकता है, और इसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। लेयर पे डिपेंड करता है कि मुनाफा आपको प्रॉफिट कितना होता है। जितना लेयर नीचे जाएगा उतना का मुनाफा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसके बाद हो गया, उसके बाद जाली आता है फिल्टर में लगाने के लिए, जाली हो गया तो जाली रखना पड़ेगा। उसके बाद डोरी है, देखिए डोरी आपको कोई सस्ता वाला डोरी नहीं लाइएगा, क्योंकि डोरी ही एक ऐसा चीज़ होता है जो फिल्टर को बांधता है। ये देखिए डोरी हो गया, आपको इस तरह का डोरी आता है और बहुत मजबूत डोरी होता है, और बहुत मजबूत डोरी लाइएगा क्योंकि पानी को फिल्टर में छानने का काम जाली ही करता है। और जाली भी जब लाइएगा तो बढ़िया वाला लाइएगा, 60x60 का जाली आता है, बढ़िया वाला वही लाइएगा जाली तो अच्छा रहेगा। उसके बाद एक चापाकल का जरूरत पड़ता है, ये देखिए चापाकल में भी देखिए मेरे इधर 50 रुपया 100 रुपया जिसे हो उस तरह का मुनाफा में बेच देते हैं। आपके इधर कितने, आपके इधर कितना बिकता है आप पता करके आप अपना प्राइस रख सकते हैं। एक चापाकल ये हो गया इस तरह का, ये सिंगूर का, इसको सिंगूर वाला चापाकल कहते हैं, आजकल बहुत ही चल रहा है। उसके बाद देखिए है, देखिए ये हो गया आपका पुराना वाला चापाकल हो गया, ये भी चलता है, तो दोनों चलता है, चापाकल हो गया। उसके बाद देखिए जितने भी पाइप है, ये देखिए 5 फीट में हो गया, 4 फीट में हो गया, 3 फीट में हो गया, 2 फीट, 2.5 फीट, 1.5 फीट, इस सब पाइप आपको 1.5 इंच में आपको नेपुल कहते हैं उसको, 1.5 में 5 फीट का नेपुल, 1.5 में 4 फीट का नेपुल, ये सब आपको रखना पड़ेगा 1.5 इंच में। और 1 इंच में भी रख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी 1 इंच में भी बिकता है। और 1 इंच में हो गया जैसे कि 1 बीच में 0.25 इंची, 1 में 6 इंची, 12 इंची, 1 फीट, हाँ 1.5 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 3 फीट तक रखिएगा तब तकाल नेपुल हो गया 1 में और 1.5 में। उसके बाद आपको जैसे कि टेप हो गया, टेप ज़्यादा बिकता है आपके इसमें, टेप पे मुनाफा नहीं है, नहीं के बराबर है, लेकिन टेप डेली का सेलिंग अच्छे आइटम है, तब टेप रख भी कीजिएगा। उसके बाद एम सील हो गया, एम सील 2-3 तरह का आता है, ये देखिए एक एम सील इस तरह का हो गया, 90 ग्राम का होता है, ये किस तरह का हो गया, ये 25 ग्राम का होता है, एम सील आपको ज़्यादा बिकाएगा। और उसके बाद जितने प्रकार के आप चापाकल रख रहे हैं, जितने प्रकार के कल रख रहे हैं उसमें आपको भेल हो गया, वाशर हो गया, ये सब आपको बिकेगा ही बिकेगा, इससे अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता है। उसके बाद देखिए नेपुल हो गया ये 1.5 इंची में, ये देखिए 1.5 इंची में 4 इंची, ये आपको 1.5 इंची हो गया, और ये हो गया आपको 4 इंची, इसी में 1.5 में 6 इंची वाला आता है, ये देखिए 1.5 हो गया और ये होगा 6 इंची। इसी तरह से 9 इंची, 12 इंची इस तरह के रखना पड़ता है चापाकल में। उसके बाद कलम्पू हो गया, जैसे कि पाइप जब चापाकल के अंदर में पाइप जब गाड़ देते हैं तो इस तरह का कलम्पू होता है, ये देखिए, तो चापाकल में लगाकर उसको पूरी तरह से जाम सीमेंट और बालू से उसको बैठा देते हैं ताकि चापाकल हिले ना, इसीलिए इसको लगाते हैं कलम्पू को। उसके बाद चापाकल में टी आता है, देखिए 1.5 इंची का टी हो गया, ये 1.5 इंची का हो गया,
ये हो गया आपको एक और डेढ़ का टी हो गया, एक डेढ़ का टी लगेगा उस समय जब चापाकल से मोटर का पाइप निकलेगा उस समय एक और डेढ़ का टी लगता है। उसके बाद सॉकेट हो गया पाइप को जोड़ने के लिए, सॉकेट हो गया देखिए छोटा वाला बड़ा वाला, उसके बाद एल्बो हो गया देखिए इस तरह का, जी आई एल्बो को एल्बो कहते हैं, लोहा का जितना भी आइटम है उसको जी आई एल्बो ही कहते हैं। उसके बाद नट बाल्टू हो गया, तीन सूता का नट बाल्टू, चार सूता का नट बाल्टू, हाँ सबको चापाकल में लगता है, ये सब सेलिंग आइटम ज़्यादा है। उसके बाद सेलिंग चापाकल में आपको जैसे कि कभी कभी आपको यूनियन भी बिकेगा देखिए, आपको एक इंच यूनियन हो गया, पहले इसका फिटिंग बिकता था लेकिन अभी बिकता है लेकिन बहुत कम बिकता है, फिटिंग हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो गया आपको हाफ इंच का फिटिंग थोड़ा रखे हुए हैं क्योंकि कभी कभी कस्टमर हाफ इंच का आ जाता है तो थोड़ा मोड़ा रखे हुए, हाफ इंच का हो गया, ये एक इंच का हो गया, हाँ सॉकेट हो गया देखिए, सॉकेट हो गया आपको एक हाफ का, डेढ़ दो का, हाँ एक इंच का सॉकेट हो गया, देखिए एक पॉन का सॉकेट हम इधर रखे हुए हैं। हाँ इसके बाद इसको देखिए ये आपको जुगाड़ हो गया, ये आपको इसको जुगाड़ नाम ही है, इसको जुगाड़ कहते हैं। जब चापाकल से पानी कम आना शुरू गिर होता है तो पानी के अंदर में एक इंच का पाइप लगा कर और जुगाड़ को फिट किया जाता है, और इस जुगाड़ में है ना पाइप लगा कर इसमें आपको चापाकल जो कल होता है ना कल इसमें आपको फिट होता है। उसके बाद देखिए इंट कैप है, वो जी आई का कैप है, ये आपको एक इंच का कैप हो गया बाहर गुना वाला, एक इंच का कैप हो गया अंदर गुना वाला, उस तरह से हाफ इंच का हो गया, उसके बाद डेढ़ इंच का कैप हो गया। उसके बाद देखिए चापाकल में प्लम्बर एम सील होता है, प्लम्बर एम सील आपको चापाकल में लगता ही लगता है, कल में लगता ही लगता है। सब आइटम हो गया कि ज़्यादा सेलिंग आइटम है इस। हाँ उसके बाद आप अपनी दुकान में जैसे ये देखिए ब्रश हो गया, बाथरूम साफ करने वाला ब्रश हो गया, ये रख सकते हैं। उसके बाद इसके आ गया आपको हारपिक आ गया, ये सब रख सकते हैं। हाँ उसके बाद देखिए इसके बाद डोरी हो गया, ये सुतरी प्लास्टिक वाला सुतरी का, तो सुतरी डोरी कहते हैं, ये आपको अच्छा खासा बिक जाता है। उसके बाद जो ब्लेड का रेंज होता है, ब्लेड 4 इंची का ब्लेड, 5 इंची का ब्लेड, हाँ दीवार काटने वाला ब्लेड, ये सब हो गया, दीवार काटने वाला झरी मारने वाला जिसको कहते हैं, बॉस का हो गया, ये CD कंपनी का हो गया, बॉस कंपनी का हो गया, हाँ ये बॉस है, ये बॉस है, ये सब आपको अच्छा खासा मुनाफा इसमें आ जाता है, इसमें 4 इंची का। उसके बाद लोहा काटने वाला होता है, लोहा काटने वाला आपको सबसे ज़्यादा जरूरी पड़ेगा, लोहा काटने वाला ब्लेड 4 इंच का ब्लेड, 5 इंच का ब्लेड, हाँ लोहा को काटने वाला ब्लेड होता है, वो तो रखना तो आपको बहुत ही ज़रूरी है। ये तो आपको सेलिंग आइटम ज़्यादा है। उसके बाद आप चलिए कांटी की तरफ, तक कांटी तो आपको सेलिंग आइटम है ही है, आप चाहे चाहे ना चाहे कांटी आपको रखना ही पड़ेगा। उससे पहले दिखाते हैं देखिए चापाकल का जो पार्ट पुर्जा होता है, देखिए नीचे वाला पार्ट पुर्जा है, सिंगूर वाला जो कल होता है, सिंगूर वाला कल का पार्ट पुर्जा नीचे वाला बेस कहते हैं, बेस हो गया। उसके बाद छतरी हो गया, ऊपर वाला छतरी हो गया, हाँ ये रखना होगा। उसके बाद जो पुराना वाला कल है उसका भी बेस हो गया, छतरी हो गया। उसके बाद हैंडल हो गया, हैंडल देख लीजिए उस साइड में हैंडल रखा हुआ है, कल का भी हैंडल, जो चापाकल है उसका भी हैंडल है और एक्स्ट्रा वाला हैंडल भी है, दोनों हैंडल है। जो हरा वाला देख रहे हैं वो पुराने वाले कल का है, जो लाल वाला देख रहे हैं वो नए वाले कल का हैंडल हैंडल रखे हुए हैं। ये आप इस पर भी आपको अच्छा खासा 50 रुपया हो जाता है एक हैंडल पर। उसके बाद प्लंजर सेट बहुत ज़्यादा बिकता है देखिए, इसको कहते हैं प्लंजर, इसको ही पर कहते हैं प्लंजर, चापाकल में लगता है या जब रखिएगा, जो भी रखिएगा ना बढ़िया रखिएगा प्लंजर, क्योंकि कम दाम वाला आदमी बहुत कम ही खोजता है और कम दाम में आपको मुनाफा कम है, लेकिन जो बढ़िया वाला दीजिएगा तो मुनाफा ज़्यादा होता है। प्लंजर का वो डंटा हो गया देखिए, प्लंजर का डंटा हो गया, जिसे आपको चापाकल में डिलीशियल आइटम है, इसे आपको बिकेगा ही बिकेगा। उसके बाद कांटी की बात करें, ये कांटी आपको 2 इंची का कांटी हो गया देखिए, 2 इंची का कांटी सबसे ज़्यादा बिकता है। उसके बाद आपको देखिए 2.5 इंची हो गया, उसके बाद 1.5 इंची हो गया, उसके बाद 4 इंची, 5 इंची, हाँ आपको 1.5 इंच से लेके 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची तक कांटी रखना पड़ेगा। आपको सबसे कम कांटी जो बिकेगा वो आपको होगा आपको 4 इंची और 5 इंची कांटी सबसे कम बिकेगा, बाकी जो कांटी है वो थोड़ा मोड़ा आपको बिक जाता है, लेकिन 2 इंची कांटी जो है सबसे ज़्यादा कांटी बिकता है, आप कांटी रख लीजिएगा। उसके बाद हो गया राजमिस्त्री का आइटम हो गया, जैसे कि आपको राजमिस्त्री में इसको टेप हो गया, एक इंची टेप हो गया, 5 मीटर का हो गया, 3 मीटर का हो गया, हाँ ये रखिएगा। उसके बाद मेरे पास 50 मीटर का भी है और 100 मीटर का भी है, तो दोनों तीनों टेप रखिएगा, 4 टेप रखिएगा, सब आपको सेलिंग ज़्यादा है। उसके बाद हो गया आपको चेक व्हील हो गया, मोटर में लगता है चेक व्हील लगता है, वो आप रखिएगा। और उसके बाद फुटबॉल आता है, 1 इंच का आता है, 1 इंच का आता है, वो रखिएगा। उसके बाद मोटर हो गया,
मोटर आप कौन रखते हैं, आपके इलाके में कौन चलता है, क्रम्पटन हो गया, हेवल्स हो गया, हाँ उषा का भी आता है, किलोस्कर का भी आता है, तो उस तरह का देखिए मेरे पास क्रम्पटन और किलोस्कर का है और हेवल्स का मोटर मेरे पास ख़त्म हो चुका है, तो आप ये सब रख सकते हैं। उसके बाद जैसे पन्नी हो गया, पोलोथीन पन्नी हो गया, तो जब छत में ढलाई चलता है तो पन्नी बिछाता है, तो पन्नी रख कर भी अब अच्छा खासा मुनाफा इसे हो जाता है। इसके बाद देखिए ये गार्डन पाइप हो गया पानी पटाने के लिए, जब छत बनेगा तो पानी पटाने के लिए गार्डन पाइप चाहिए ही चाहिए, आपको लगेगा ही लगेगा। उसके बाद ये नारियल का रस्सी हो गया, नारियल का रस्सी पर भी आपको 10-20 रुपये किलो पर आपको बच जाता है। उसके बाद देखिए तगाड़ी हो गया, तगाड़ी में 3 तरह का है, एक थोड़ा गड्ढा वाला और दो एक बढ़िया वाला और एक कम दाम वाला, तो 3 तरह का तगाड़ी भी रखना पड़ेगा। उसके बाद जो राजमिस्त्री होता है, जो ईंटा जोड़ता है, प्लास्टर करता है, उसका जो कुछ आइटम्स होता है वो आपको लेगा ही लेगा आपने। उसके देखिए जब करनी हो गया, बसली हो गया, हाँ साहुल हो गया, साहुल का डोरी हो गया, इस तरह का डोरी होता है, लेवल मिलाने के लिए डोरी होता है, देखिए लेवल मिलाने वाला डोरी होता है, ये सब डोरी हो गया, ये सब आप रखिएगा तो राजमिस्त्री आपने आएगा ही आएगा। ये आप हो गया लेवल टाइप हो गया, लेवल टाइप आप रख दीजिएगा तो अच्छा खासा आपको सेलिंग आइटम है लेवल टाइप भी, और ये तो आपको बिकेगा ही बिकेगा, ये सब राजमिस्त्री ही आके ले जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये आपको हो गया, ये सभी आपको रखना ही पड़ेगा, तो क्योंकि इसका भी सभी सेलिंग अच्छा खासा सेलिंग है। उसके बाद चाइनीज काठी हो गया, जिसको ढलान वाला काठी कहते हैं, वो आप रख लीजिएगा, अच्छा खासा काठी आपको बिक जाता है ढलान वाला काठी। उसके बाद जितने भी कब्जा उब्जा होता है, कब्जा हो गया, उसका पेंच हो गया, पेंच में आपको सबसे ज़्यादा कमाई है, तो कब्जा और पेंच दोनों रखिएगा ही रखिएगा। कब्जा पेंच के साथ हो गया, किसी की आपको छिटकिल्ली हो गया, हथकल हो गया, ऐसे आप कम दाम में ला ही रखिए, लेकिन रखिएगा तो अच्छा खासा मुनाफा इस पर हो जाता है। और चेक वेल देखिए, ये चेक वेल आपको रख लीजिएगा, मोटर में लगता है चेक वेल, इसको मिनी चेक वेल या छोटा चेक वेल भी कहते हैं, 1 इंची का चेक वेल हो गया। उसके बाद ये आपको हो गया 1/2 इंची का जो मोटर में चेक वेल लगता है, इस तरह का रहता है, चेक वेल रखिएगा। उसके बाद कलम्पू हो गया, जैसे कि कोई कोई आदमी जब चदरा लगाता है, चदरा का कलम्पू हो गया, देखिए चदरा का कलम्पू हो गया, ये पाइप वाला कलम्पू हो गया, पाइप में लगाकर चदरा में लगाते हैं। उसके बाद ये बांस वाला हो गया, हाँ तो बांस वाला अलग आता है, पाइप वाला अलग आता है, इसमें 3 वैरायटी आता है, एक इतना का होगा और एक इससे थोड़ा बड़ा रहता है, हाँ तो थोड़ा बड़ा ही लीजिएगा। उसके बाद इसका पेच आता है, वाशर आता है, हाँ इसके बाद सब आपको बिक जाएगा, ये सब डेली का सेल आइटम है, कहीं चलना लग गया है हाँ तो आपको आपके पास से ले ही जाएगा। तो उसके बाद हो गया प्लम्बरिंग का सामान हो गया, प्लम्बर में पाइप हो गया, उसके बाद उसका जो फिटिंग का सामान हो गया, चप्पा का नल उल हो गया, ये सब आपको रखना होगा, सॉल्वेंट हो गया, ये सब आपको रख सकते हैं। एक प्लम्बरिंग के लिए अलग वीडियो ही बनाए हुए हैं, जैसे ये देखिए ये कम दाम वाला नल है, ये कम दाम वाला ही रखना पड़ेगा, ये कम दाम वाला नल है, तो ये देखिए ये अजंता का नल है, ये सब आपको रखना पड़ेगा। और इधर हो गया, और इधर देखिए इधर हो गया वाटरटेक का नल है, तो एक कम दाम वाला एक बढ़िया वाला जो कंपनी का नल रखिएगा, ताकि कस्टमर आपके दुकान से वापस ना जाए। ये आपको हो गया, आपको टावल हो गया, टावल हैंड बाथरूम वाला टावल रखने वाला हो गया, देखिए कम दाम वाला भी है और ज़्यादा दाम वाला भी, दोनों प्रकार का टावल रखने वाला आपको रखना स्टैंड रखना पड़ेगा। उसके बाद ये देखिए ये जाली हो गया, पानी वाला जाली हो गया, 4 इंच का जो पाइप होता है, 3 इंच का पाइप होता है, इस पर लगाने वाला जाली हो गया। उसके बाद ये 4 इंच की पाइप है जो क्लिप लगता है एल्युमिनियम वाला क्लिप, क्योंकि जब लीजिएगा तो एल्युमिनियम वाला ही क्लिप लीजिएगा, एक लोहा वाला क्लिप भी आता है जो बीच उसमें बीजा लग जाता है, बीजा लगने के बाद टूट जाएगा, लेकिन एल्युमिनियम वाला क्लिप है ये आपको नहीं टूटेगा और बहुत सालों तक चलता रहता है। तो फर्स्ट टाइम में जब दुकान खोल रहे हैं इतना ही सामान रखिए और शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपको पैसा आएगा उस वजह से अपना रेंज बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।